आर्विद चलो कैसे हो? चलो चलते हैं कुछ नया सा करने। चलो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको एक रिक्वेस्ट जरूर करूंगी कि जब भी आप इस चैनल पर नए आए हैं तो इसे सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल न जाएं। अब आ गई है बारिश का सीजन। अब ऐसे में गर्मियां जब जाती हैं, बारिश आती है तो नींबू ढेर सारे पेड़ों में लगने लग जाते हैं और ऐसे में उनका दाम भी काफ़ी सस्ता होता है। जब बहुत सारे नींबू हमें मिल जाएं या हम खरीद लाएं, उन्हें हम कैसे स्टोर कर सकते हैं 6-8 महीने के लिए, वो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। चलिए आज कुछ ऐसी ट्रिक आपको बताऊंगी, आपका भी मन खुश हो जाएगा और गर्मियों के लिए आप काफ़ी सारी जुगाड़ कर पाओगे। ये देखिए मेरे पास भी काफ़ी सारे नींबू आ गए हैं, करीब करीब 2-4 किलो नींबू हैं। अब इस नींबू को मैं 3-4 तरीके से आपको बताऊंगी कैसे आप स्टोर करेंगे। अगर आपके यहाँ शिकंजी बहुत पसंद करते हैं तो आप क्या कीजिए, नींबू का रस निकाल दीजिए। यहाँ देखिए करीब करीब मैंने 1 किलो नींबू को निचोड़ कर उसका रस निकाल दिया है। जो कांच की बॉटल है बिल्कुल साफ थी, उसमें मैंने आधी बॉटल पूरा रस डाल दिया है। अब क्या करेंगे, इस आधी बॉटल में हम आधा से 1.25 किलो के आसपास चीनी डाल देंगे। कुछ नहीं करना, एक कीफ से या कागज से ऐसे कीफ नुमा बना के ऐसे चीनी डाल दीजिए। 600 से 650 ग्राम, मतलब जितना अपने पास रस निकला है करीब करीब 500 ml से थोड़ा कम है और चीनी थोड़ी ज्यादा होगी। बस इसमें डाल के रख दीजिए। ना तो हमें गैस पे चढ़ाना है ना कुछ करना है, हमें करना क्या है बस इस चीनी को और नींबू को एक साथ रखना है। दोनों ही प्रिजर्वेटिव के काम करेंगे तो हमें कुछ मिलाना भी नहीं है, ना तो कलर ना एसेंस। बस इसको आप इस तरीके से धीरे धीरे शेक कीजिए। आज जैसे शेक कर रहे हैं कल फिर शेक कीजिए, परसों फिर शेक कीजिए। 2-3 दिन में आप देखेंगे शेक करते करते ही अपने आप चीनी नींबू के साथ घुल जाएगी। अगर ये एयरटाइट नहीं है, थोड़ी सी क्लिंग रैप या सिल्वर फॉइल कुछ भी लगाकर उसे एयरटाइट कर दीजिए। बस यहाँ देखिए नेक्स्ट डे मैं आपको दिखाती हूँ, चीनी काफ़ी घुल चुकी है, थोड़ी चीनी बची है। 2 दिन में ये पूरी चीनी घुल जाएगी और आपकी शिकंजी वाला शरबत बिना धूप के बिना गैस पे रखे ये तैयार हो चुका है। चलते हैं एक नेक्स्ट ट्रिक के लिए, नींबू को हम कैसे स्टोर करें। ये देखिए नींबू है हमारे पास, इन्हें आप अच्छे से पानी में वॉश कर लीजिए। वॉश करने के बाद कपड़े से अच्छे से पोंछ लीजिए। अब इतने सारे नींबू एक साथ तो ख़त्म होंगे नहीं, तो हमें क्या करना होगा, ये एक छोटा सा दूसरा तरीका है। वैसे तो हम नींबू की बहुत सारी अचारें वगैरह डालते हैं, लेकिन कई घरों में अचार खाना पसंद नहीं करते लेकिन नींबू खाना पसंद करते हैं। नींबू को आप कट करके स्लाइस कर दीजिए। आप चाहें तो इन नींबू को लगे रहने दें, मतलब जुड़े रहें चारों स्लाइस, या फिर अलग अलग करें, ये आपकी च्वाइस है। अब एक खाली जार में नींबू और नमक डालकर रख दें। धूप में भी रखने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस आप ऐसे ही रख दें, स्टोर किया हुआ होगा। जब भी खाने के साथ मन करे कि नींबू की ज़रूरत है तो ये गल भी जाएगा। ये नमक वाला नींबू आपको कोई हानि भी नहीं पहुँचाएगा, मीठा भी नहीं है, तेल भी नहीं है, ये बहुत ही बढ़िया लगेगा। ये नमक का नींबू का जो अचार होता है ना, वो बहुत ही हेल्दी और टेस्टी होता है। इस तरीके से आपके नींबू भी स्टोर हो जाएंगे और जब आपका मन करेगा नींबू खाने का तो आपको मिल भी जाएगा। दबा दबा के डाले हैं जिससे धीरे धीरे वो नींबू अपना पानी छोड़ेगा नमक के साथ। फिर आप जब भी मन करे शेक करते रहिए और रख दीजिए, काफ़ी लंबा चलेगा, 6 से 8 महीने ये नींबू। अभी हाल ही में आपने नोटिस किया होगा पॉलीथिन बैग तो हमारे यहाँ फुल्ली तरीके से बंद हो गई हैं। यहाँ पर आ रहे हैं हर जगह ये ब्राउन पेपर, तो ये ब्राउन पेपर में हम नींबू को बहुत अच्छे से स्टोर कर सकते हैं। अगर आप नींबू को साफ कपड़े से पोंछ के रख देंगे तो काफ़ी दिनों तक फ्रिज में स्टोर किए जा सकते हैं, बिल्कुल भी न ये गलेंगे न सड़ेंगे। अगर आपके पास ब्राउन पेपर ना हो तो कोई बात नहीं, टिश्यू पेपर होता है ना वाइट, उसमें भी आप रख सकते हैं। रखने को तो अखबार पेपर में भी रख सकते हैं, पर अखबार पेपर में ज़्यादा लंबे नहीं चलते। इस तरीके से मैं काफ़ी दिनों तक नींबू को रख देती हूँ, महीना भर तो चले जाते हैं नींबू। जब कभी ज़्यादा आ जाते हैं तो कोई परेशानी नहीं आती है। अब मैं इसी नींबू की एक और ट्रिक बताती हूँ, जब कभी आपको ऐसा भी रखना है लंबा तब भी आप रख सकते हो। ये देखिए ये नींबू को मैंने साफ करके पोंछ तो लिया ही था, नींबू के ऊपर स्किन पर हल्के हल्के रोम छिद्र होते हैं जैसे हमारी स्किन पर होते हैं। अब उसे हवा ना लगे जिससे नींबू हमारा खराब ना हो, तो यहाँ पर कोकोनट ऑयल या शुद्ध घी लगा लीजिए।
जिससे क्या होगा, कोकोनट ऑयल या शुद्ध घी लगाकर हम इसे जार में रखते जाएंगे, ये बाहर एक उसकी एक परत लग जाएगी, परत लग जाएगी तो वो इसके जो पोर्स हैं उसमें हवा जाना बंद हो जाएगा, जिसकी वजह से नींबू काफ़ी लंबा चलेगा। 1 से 1.5 महीने तक ये नींबू फ्रिज में रखा जा सकता है। तो देखा ना बच्चों, ये 4 तरीके हैं। आपके यहाँ भी बारिश के दिनों में नींबू अगर ज़्यादा आ गए हैं तो आप इस तरीके से स्टोर करेंगे ना, तो बिल्कुल आने वाले 6 महीने तक फ्री हो जाएंगे। इन 4 ट्रिक में से आपको सबसे अच्छी कौन सी लगी, ये भी जरूर बताइए। अगर आप इस चैनल पर नए आए, सब्सक्राइब करने की कंजूसी बिल्कुल ना करें।